लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, करण जौहर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, याद होगा वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था जो कि करण जौहर के घर का था, जिसमें काफी सारे सेलेब्स थे। अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स एंगल है उस पर जांच कर सकती है एनसीबी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनसीबी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है, बॉलीवुड में जो ड्रग एंगल है उस पर एनसीबी की तरफ से जांच की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बीच करण जौहर की घर हुई पार्टी का वीडियो भी जांच के घेरे में है, फॉरेंसिक जांच के लिए इस वीडियो को भेज दिया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, करण जौहर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो वीडियो आपको याद होगा जिसमें करण जौहर के घर पर कई फिल्मी हस्तियां थी, और उस वीडियो में ये दावा किया गया था कि वहां पर मौजूद सभी सेलेब्स ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, और पंजाब के एक विधायक हैं जिनकी तरफ से ये बकायदा शिकायत दर्ज कराई गई थी। और अब बताया जा रहा है कि एनसीबी इस मामले में जांच कर सकती है। करण जौहर के घर जो पार्टी हुई थी वो भी अब जांच के घेरे में है, वो वीडियो बकायदा फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनसीबी सुशांत केस में बॉलीवुड एंगल की जांच करेगा। तो बॉलीवुड की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां आपको बता दें कि एनसीबी की तरफ से बकायदा कई ऐसे तकरीबन 25 सेलिब्रिटीज हैं जिनका एक डॉजियर तैयार किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि अभी इसमें बड़ी मछलियां हैं जो कि फंसनी बाकी हैं, और इस बाबत अब इन बॉलीवुड सेलेब्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बॉलीवुड सेलेब्स की मुश्किलें अब इस बाबत बढ़ेंगी कि इस मामले में एनसीबी अब जांच करेगी, और इसे लेकर ड्रग एंगल को लेकर ये एनसीबी की जांच, जिसमें बताया गया है कि अब करण जौहर के घर हुई पार्टी भी अब इस मामले में ये काफी अहम है हमारे लिए, जहां ये बताना आप सभी दर्शकों को कि किस तरीके से बॉलीवुड के अंदर अगर ड्रग की कहीं घुसपैठ है, अगर ड्रग का इन्वॉल्वमेंट है, तो आखिर किस वजह से इसे अभी तक भापा नहीं गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि इस मामले में अब करण जौहर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और साथ ही अब इस मामले में जो वीडियो है उसे फोरेंसिक जांच में भेजा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। अहम जानकारी दर्शकों को दे दें कि करण जौहर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और इस मामले में जहां अब बताया जा रहा है कि एनसीबी का वो कदम जो कि बॉलीवुड की मुश्किलें बढ़ाएगा, ये अहम जानकारी, जहां करण जौहर जो कि बताया गया कि इससे पहले ही गोवा के लिए रवाना हो चुके हैं, तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जिसमें गोवा के लिए करण जौहर अपने परिवार के साथ रवाना हो गए थे, क्योंकि लगातार करण जौहर को इस केस में टारगेट किया गया है। करण जौहर इससे पहले नेपोटिज्म को लेकर मीडिया के और बाकी कई बॉलीवुड के भी ऐसे लोग हैं, कंगना रनौत खास तौर पर, जिन्हें मूवी माफिया कहा गया, और सवाल पूछे जा रहे थे करण जौहर से कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को भी कई फिल्मों से हटाया गया, क्या सुशांत सिंह राजपूत को इस धर्मा प्रोडक्शन में क्या उन्हें काम नहीं दिया जा रहा था। इस तरह की कई आलोचनाएं हैं जिनका शिकार हुए थे करण जौहर, और उसके बाद अब करण जौहर के घर जो पार्टी हुई थी उसका वीडियो भी अब जांच के लिए भेजा गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और अब वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो कि करण जौहर के घर हुई पार्टी का है, जिसमें मौजूद सभी सेलिब्रिटीज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये देखिए, ये वो वीडियो है 30 जुलाई 2019 का, और यही वीडियो है जो कि अब जांच के लिए भेजा गया है। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं एनसीबी के, जहां अब हत्थे चले हैं ये सारे सेलिब्रिटीज, क्योंकि फोरेंसिक लैब में ये वीडियो अब जांच के लिए भेजा गया है, और ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि इस वीडियो के अंदर ये जितने भी सेलिब्रिटीज इस वक्त आप देख रहे हैं ये आखिर किस स्थिति में हैं, क्या इस पार्टी के अंदर ड्रग्स लिए जा रहे थे। तो अब इस वीडियो के अंदर आप जितने भी सेलिब्रिटीज देख रहे हैं जो कि टॉप की सेलिब्रिटीज हैं, इन सभी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। करण जौहर की जो पार्टी हुई उसकी जो ये वीडियो है उसकी जांच
जांच अब की जाएगी। एनसीबी के हवाले से जानकारी मिल रही है कि फोरेंसिक लैब में ये वीडियो भेजा जाएगा। तो रणबीर कपूर से लेकर दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, करण जौहर, कई बड़े सेलिब्रिटीज इस वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये नशे के सौदागर बचेंगे या नहीं। कई फिल्मी सितारे इस पार्टी में शामिल हुए हैं, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मलाइका अरोड़ा हैं, अर्जुन कपूर हैं, रणबीर कपूर हैं और साथ ही दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर। तो ये वो टॉप एक्टर एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड में जिनकी तूती बोलती है। लेकिन क्या आप देखिए जोया अख्तर जो कि डायरेक्टर हैं, और ये भी देखिए कि किस तरह से वरुण धवन, ये सभी इस सेलिब्रिटीज की पार्टी में शामिल थे जो कि करण जौहर के घर हुई थी। तो क्या करण जौहर की मुश्किलें अब इस वीडियो के आने से बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो खुद करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला था, और उस समय भी जब ये वीडियो सामने आया था उस दौरान भी सवाल उठे थे कि क्या इस वीडियो में मौजूद ये सभी सेलिब्रिटीज ड्रग का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जिस तरह से ये बैठे हैं, जैसा ये बिहेव कर रहे हैं, इससे अनुमान लगा था कि ये सभी सेलिब्रिटीज इस दौरान ड्रग का सेवन कर रहे हैं। और खास तौर पर विकी कौशल को जरूर टारगेट किया गया था कि विकी कौशल जिस तरह से अपनी नाक पर हाथ लगाते हैं, तो ऐसा कहा गया था कि उस समय ड्रग का सेवन कर रहे थे। तो ये वो वीडियो है जो अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। तो करण जौहर के साथ साथ अब बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इस वीडियो के बाद। और ये खुद कंगना रनौत की तरफ से कहा गया था कि अगर बॉलीवुड में एनसीबी की तरफ से जांच की जाए तो 99% बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज या बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग का सेवन करते हैं। और इसी के बाद तमाम सितारे हैं जिनके नाम भी सामने आने लगे थे। करण जौहर पर क्या एनसीबी का शिकंजा कसेगा, क्या इस वीडियो में ये जो फिल्मी सितारे आप देख रहे हैं, क्या इन पर भी एनसीबी का शिकंजा कसेगा, क्या इन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। फिलहाल ये अब एक बड़ा कदम है जो कि एनसीबी की तरफ से उठाया जाना है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये वो सितारे हैं जिनसे अब क्या एनसीबी पूछताछ करेगी, क्योंकि जिस कंडीशन में आप इन सभी लोगों को इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, ये डाउटफुल है। आप देखिए कौन सा टॉप का एक्टर है जो कि इस समय नहीं है इस वीडियो में, और क्या अगर इन सभी पर जांच होती है तो लगभग पूरा बॉलीवुड है जो कि धरा जाएगा, जो कि एनसीबी की जांच के घेरे में आएगा। तो आप देखिए 30 जुलाई 2019 का ये वीडियो है। करण जौहर ने बकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट किया था, जिसमें शायद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि सभी बॉलीवुड सेलेब्स उनकी पार्टीज में मौजूद रहते हैं, जो कि अक्सर होता भी है, क्योंकि करण जौहर की इमेज ऐसी है कि वो कई बड़े बॉलीवुड सेलेब्स के बच्चों को लॉन्च करते हैं। उनका धर्मा प्रोडक्शन कई टॉप की फिल्में बना चुका है और कई बड़े सेलिब्रिटीज से उनके बहुत गहरे संबंध रहे हैं। तो करण जौहर, जिन्हें कंगना रनौत मूवी माफिया कहते हैं, इन्हीं करण जौहर की अब मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं। और हालांकि बढ़ती हुई अब नजर भी आ रही है, क्योंकि इस पूरी वीडियो को अब फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी ये मांग होती रही है कि इस वीडियो में जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, इन सभी का डोप टेस्ट होना चाहिए। ये मांग राजनीति की गलियारों से भी हमने सुनी है, जहां डोप टेस्ट इन सभी एक्टर एक्ट्रेसेस का कराने की मांग की गई थी। और ये भी आरोप लगाए गए कि फिल्म की शूटिंग से पहले और फिल्म की शूटिंग के दौरान भी ये लोग हाई रहते हैं, यानी नशे में धुत रहते हैं, और तभी ये कहते हैं कि इनकी एक्टिंग बाहर निकलती है। तो इस तरह के कई आरोप हैं जो कि इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर ड्रग्स के कनेक्शन को लेकर लगते रहे हैं। लेकिन क्या जो बातें अभी तक दबी जुबान में कही जाती रही थी, जो महज आरोपों के तरीके से हम देखते रहे थे, क्या ये सच साबित होंगी, क्योंकि एनसीबी की जांच का जो दायरा है वो अब बढ़ गया है। और एनसीबी की जांच अब ऐसे लोगों तक पहुंच रही है जिन्हें सो कॉल्ड सुपरस्टार कहा जाता है। लेकिन क्या ये सुपरस्टार जो हमारे युवाओं के लिए, हम सभी के लिए जो कहीं ना कहीं कभी आइडियल बनते हैं, कभी हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, क्या ये सही हीरो हैं हमारे समाज के? ये सवाल भी कई लोग उठाते रहे हैं, क्योंकि जब जब बॉलीवुड के साथ ड्रग्स को जोड़ा गया है, तब ये सवाल उठा है कि ये लोग क्या
भारतीय युवा पीढ़ी को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फिल्मों में, इनके गानों में शराब, ड्रग्स, इन तमाम चीजों की बातें होती है, लेकिन क्या अब इन सभी की असल जिंदगी में इन चीजों का क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या इससे अब पर्दा उठेगा, ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। करण जौहर के पार्टी के अंदर जितने भी सेलेब्स इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अगर इन सब पर जांच होती है, अगर इन सब से पूछताछ होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर जांच हुई तो लगभग पूरा बॉलीवुड ही खाली हो जाएगा, क्योंकि सभी बॉलीवुड के टॉप एक्टर एक्ट्रेसेस और सभी डायरेक्टर्स भी, लगभग बड़े सभी डायरेक्टर, जोए अख्तर को आप देखिए, वरुण धवन को आप देखिए, रणबीर कपूर इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, इसके अलावा विक्की कौशल हैं, तो ये विक्की कौशल जो कि कई देशभक्ति की फिल्मों में नजर आते हैं, तो ये ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, ये कुछ ऐसे फिल्मी किरदार हैं जिन्हें हम राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की मूर्ति के तौर पर भी आप इन्हें देख सकते हैं, जो उनके एक तरह से एम्बेसडर बने हुए हैं देशभक्ति की फिल्मों के, लेकिन असल में क्या आरोप इन सभी एक्टर एक्ट्रेसेस पर है, ये कहीं ना कहीं हैरान करने वाली बात है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस पार्टी के अंदर ये जो वीडियो बना था और जिस स्थिति में ये सभी एक्टर एक्ट्रेसेस देखे जा रहे हैं, इसके बाद सवाल उठने शुरू हुए थे कि क्या पार्टी के अंदर ड्रग्स लिए जा रहे थे। विक्की कौशल को आप देखिए, जिस तरह वो अपने नाक पर हाथ लगाते हैं, इसके बाद ये दावा किया गया था कि उस समय ये जब वीडियो शूट हुआ उस समय विक्की कौशल ड्रग्स ले रहे थे, ये आरोप लगे। हालांकि विक्की कौशल की सफाई भी एक इंटरव्यू के दौरान इस पूरे वीडियो पर आई थी, जिसमें विक्की कौशल ने कहा था कि वे लगातार कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे और उन्हें जेट लैग हुआ था, यानी कि वो किसी दूसरी कंट्री से आए थे और सीधा इस पार्टी में शामिल हुए थे, इस वजह से उनकी जो सिचुएशन है वो इस तरह से दिख रहे हैं जैसे वो लॉस्ट हैं, वो उन्होंने ड्रग का सेवन किया है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत थके हुए थे, ये बात विक्की कौशल ने एक इंटरव्यू में कही थी। लेकिन आप देखिए कि इस दौरान पार्टी के अंदर जिस तरह से बैठे हैं, खड़े हैं, जिस तरह से कोई चीजों को छिपा रहा है, अब आप देखिएगा इस वीडियो के अंदर जैसे ही विक्की कौशल के पास जाता है ये पूरा कैमरा, तब आप देखेंगे कि विक्की कौशल अपनी नाक पर हाथ लगाते हैं, उनके साथ में जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं जो कि रणबीर कपूर के खास दोस्त हैं, वो किस तरह से चीजों को छुपाते हैं, ये इनका नाम सामने आया था। और जिस तरह से अयान मुखर्जी रणबीर कपूर के दोस्त हैं, और आप देखिए जैसे ही उनकी तरफ कैमरा पहुंचता है तो वो अपने पीछे कुछ छिपाते हैं, तो यही वो कुछ ऐसे डाउट थे जिनकी वजह से कहा गया था कि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज किस तरह से ड्रग का सेवन करते हैं, और अब इस वीडियो के जरिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां करण जौहर की इस पार्टी के वीडियो को अब फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना है। तो ये बड़ी खबर, करण जौहर की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, करण जौहर का ये पार्टी का वीडियो अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं एनसीबी, सुशांत केस में बॉलीवुड एंगल की जांच करने वाली है, जिसमें ये भी शामिल रहेगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का किस तरह का बर्ताव या कैसा उन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा था बॉलीवुड से, क्या बॉलीवुड की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत को इतना परेशान किया गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, क्या ये बात सही है कि लगातार बैक टू बैक सुशांत सिंह राजपूत से कई फिल्में छीन ली गई, जिस तरह से दावा किया गया था कि 7 फिल्में पिछले कुछ ही समय में सुशांत सिंह राजपूत से ले ली गई थी, उसमें कई दूसरे एक्टर को जगह दी गई थी, और इसमें एक नाम आया था सड़क टू, जिसमें आलिया भट्ट को हमने देखा था, और आलिया भट्ट के ऑपोजिट यहां बताया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत को ही कास्ट किया गया था, लेकिन आलिया भट्ट ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया कि अगर उसमें सुशांत रहेंगे तो वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगी, इस तरह के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को इस फिल्म से हटा दिया गया था, और इसी वजह से बैक टू बैक ऐसी कई बड़ी फिल्में हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से निकली, और यही कारण है कि सुशांत डिप्रेशन में चले गए, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगे, और इन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो ये आरोप लगे थे बॉलीवुड से, लेकिन अब बॉलीवुड की इन्हीं एंगल्स की इन्हीं सवालों पर उनसे पूछताछ होगी, और बताया जा रहा है कि एनसीबी की टीम अब जल्द ही बॉलीवुड में ड्रग्स का जो एंगल है, ड्रग्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, उस पर भी जांच करेगी। इस बीच आपको बता दें कि कल ही
5 ऐसे ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं जिनके बारे में बताया गया कि ये बॉलीवुड के कई टॉप सेलिब्रिटीज के संपर्क में थे, उन्हें ड्रग्स पहुंचाते थे। लेकिन अब आप जानिए कि ये ड्रग पेडलर जो राज खोलेंगे, और साथ ही इस वीडियो को, जो वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो के फोरेंसिक टीम के द्वारा जांच किए जाने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उससे बॉलीवुड के इन सभी सेलिब्रिटीज की मुश्किलें बढ़ेंगी और मुश्किलें करण जौहर की सबसे ज्यादा बढ़ेंगी। हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी करण जौहर को काफी ज्यादा हेट का, बहुत नफरत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि करण जौहर को जिस तरह कंगना रनौत ने ये उनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया था, ये टर्म उनके लिए इस्तेमाल किया था मूवी माफिया, जिसमें कंगना ने कहा था कि करण जौहर की मर्जी के बगैर कोई भी फिल्में नहीं मिलती और करण जौहर नेपोटिज्म का जीता जागता उदाहरण है। करण जौहर ही सभी नेपो किड्स को अपनी फिल्मों में जगह देते हैं और वो बाहरी लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में टिकने नहीं देते हैं, ये आरोप कंगना रनौत ने लगाए थे। और उसके बाद करण जौहर ने हालांकि ये भी कहा था कि हाँ, ये उनकी इच्छा है, ये उनकी मर्जी है कि वो किसे अपनी फिल्म में जगह देते हैं, किसके लिए फिल्में बनाते हैं, ये उनकी मर्जी है वो किसको लॉन्च करते हैं। इस तरह का बयान भी करण जौहर की तरफ से आया था और यही कारण है कि करण जौहर को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके बारे में काफी कुछ कहा, जिससे आहत होकर करण जौहर बताया जा रहा है कि इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ गोवा के लिए रवाना हुए 2 दिन पहले ही, और गोवा में ही वो एक लंबी छुट्टी बिताएंगे, ये कहा गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करण जौहर की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां करण जौहर की पार्टी के इस वीडियो को अब इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और इसी तरह अगर जांच आगे बढ़ती रही तो वो दिन भी दूर नहीं है जब करण जौहर से ड्रग्स केस में पूछताछ होगी। हालांकि आपको बता दें कि करण जौहर से जहां पूछताछ के लिए सीबीआई की बात भी सामने आई थी, हालांकि उसके बाद उनके मैनेजर से पूछताछ की गई थी, लेकिन अब करण जौहर से एनसीबी की टीम भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि करण जौहर के इस पार्टी वीडियो को फिलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। तो ये एक बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एनसीबी की टीम इस वक्त जांच करेगी सुशांत केस में बॉलीवुड एंगल की। और इस बीच ये भी आपको बताया जा रहा है, जहां पर करण जौहर की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और ये वीडियो, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर, जब करण जौहर ने अपने अकाउंट पर इस वीडियो को डाला था, तो उस समय काफी ज्यादा इसे प्रेज भी मिला था और ये भी कहा गया था कि करण जौहर के कॉन्टैक्ट ऐसे हैं कि बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी उन्हें ना नहीं कह सकता, उनकी पार्टियों में जाने के लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है। और करण जौहर के कई शोज भी ऐसे रहे हैं, जैसे आपको याद होगा कॉफी विद करण, करण जौहर का एक ऐसा खास शो है जिसके कई सीजन आए और कई सेलिब्रिटीज हैं जो कि इस शो में जाने को अपने लिए एक प्राउड मोमेंट बताते हैं, जो ये कहते हैं कि इस शो में जो जाता है उसे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में उसने कुछ अचीव किया है, उसने कुछ हासिल किया है। और करण जौहर लगातार अपने शो में ऐसे ही कुछ खास लोगों को बुलाते रहे हैं जो या तो बॉलीवुड में उनके फ्रेंड्स हैं, या फिर उनके अच्छे रिश्ते हैं, या फिर वो उन्हीं की तरह एक नेपो किड है, ऐसा कहकर करण जौहर पर कई आरोप लगे हैं। और ऐसा ही हाल करण जौहर की पार्टीज का भी है, करण जौहर जब भी कोई पार्टी करते हैं तो बॉलीवुड के ऐसे कई टॉप स्टार्स हैं जो कि उनकी पार्टीज में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कभी भी पार्टी की लिस्ट से उनका नाम आउट ना हो। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करण जौहर की इस पार्टी में वो सभी टॉप एक्टर एक्ट्रेसेस, वो सभी डायरेक्टर्स मौजूद हैं जिन्हें हम एक साथ फिल्मों में नहीं देख पाते हैं, लेकिन करण जौहर की पार्टीज में ये सभी सेलिब्रिटीज जरूर दिखते हैं। और ऐसा ही इस वीडियो में हुआ है, लेकिन इस वीडियो में एक साथ दिखने पर अब इन सभी स्टार्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आप देखिए, कई ऐसे टॉप हीरो हीरोइन इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा,
और शाहिद कपूर और साथ ही वरुण धवन को आप देखिए, और जोया अख्तर हैं जो कि डायरेक्टर हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के, विकी कौशल, आयन मुखर्जी और ये नताशा हैं जो कि वरुण धवन की गर्लफ्रेंड हैं, और रणबीर कपूर हैं, तो ये सभी और साथ ही शाहिद कपूर की वाइफ, ये सभी लोग वीडियो में आपको दिख रहे हैं। और बताया गया कि ये वीडियो खुद करण जौहर ही बना रहे थे, तो आपको ये बता दें कि वीडियो करण जौहर इस वक्त बना रहे हैं जो आप देख रहे हैं। ये करण जौहर ने खुद वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला था, लेकिन आप देखिए विकी कौशल जिस तरह से अपनी नाक पर हाथ लगाते हैं, आयान मुखर्जी कैमरे से कोई चीज छिपाते हुए पीछे की तरफ रखते हैं, तो यही वो कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स थे जिससे ये अंदेशा था कि इस वीडियो के अंदर ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि इस पार्टी में ड्रग्स लिए जा रहे थे। और अब इस वीडियो में जितने भी सेलिब्रिटीज इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सभी सेलिब्रिटीज इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां इस वक्त बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और अब क्या इन सभी सेलिब्रिटीज के ऊपर भी एनसीबी का शिकंजा कस सकता है, तो ये बड़ी खबर। फोरेंसिक जांच के लिए फिलहाल ये वीडियो भेज दिया गया है, और अब बताया जा रहा है कि इस वीडियो के अंदर जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन्हें भी जांच के लिए समन भविष्य में भेजा जा सकता है। तो इससे जुड़ी और भी तमाम खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे, इसी तरह आप जनसत्य न्यूज के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।